चलो आ जाओ, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फॉर्मूला डेरिवेशन यूजिंग डायमेंशन। ठीक है, चलो यहीं पे था। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा डायमेंशन के मदद से ही, कुछ और चीज निकालेंगे, जैसे कुछ फॉर्मूला दे दे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल, और बोलेगा ए इंटू बी का डायमेंशन निकालिए या ए डिवाइडेड बाई बी का डायमेंशन, टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज ऐड कर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एग्जांपल हमारे पास है, एक ये ले लेते हैं। मान लो एफ इज इक्वल टू ए माइनस एक्स अपॉन में बी टी ना कुछ दे, ठीक है। ए माइनस एक्स अपॉन में बी टी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, और कह दे यहीं पर कि एक्स यहां पर क्या है, एक्स यहां डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है और एफ फोर्स है, और आपको क्या फाइंड करने के लिए कहें, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी का डायमेंशन क्या होगा आप बताइए। ठीक है, ये दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, वैसा ही मेथड काम करेंगे। देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन समझने का प्रयास करना। सबसे पहले एफ इज इक्वल टू ए बाई बी टी लिखना माइनस एक्स बाई बी टी लिख सकते हो क्या। ठीक है, बीच माइनस है तो ए अपॉन में बी टी, एक्स अपॉन बी टी लिख सकते हैं। अब हमने बताया था अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर बीच में माइनस प्लस आता है तो इस पूरे का डायमेंशन इसके बराबर होगा और इस पूरे का भी डायमेंशन इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो दोनों को बारी बारी से करेंगे, ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, सॉल्व कर लेंगे आराम से। पहले हम चेक करेंगे, देखो यहाँ ए बी दोनों अननोन है तो नहीं छुएंगे, यहाँ देखते हैं सिर्फ बी है, यहां से बी वैल्यू निकल जाएगी, तो दोनों को कंपेयर कर देते हैं। एफ इज इक्वल टू एक्स अपॉन में बी टी लिख सकते हैं, तो बी बराबर क्या होगा जल्दी बोलो, एक्स अपॉन में एफ टी, यही होगा। एक्स का डायमेंशन जल्दी बोलो एल, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, और टी है तो टी, समझ में आ रहा है। तो देखो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बी का जो डायमेंशन हो जाएगा, अब एल से तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एम पे पावर वन है ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस वन, एम पर पावर हो गया माइनस वन। अब देखो टी पे यहाँ प्लस वन है और माइनस टू है तो नीचे क्या बच जाएगा, माइनस वन, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस वन। बी का डायमेंशन तो मेरा पता चल गया, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करके। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं ऐसे, भाई अगेन एफ इज इक्वल टू ए बाई बी टी, ए बाई बी टी इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब ए इक्वल टू क्या होगा जल्दी बताओ, ए निकालना है, एफ बी टी ऐसा ही होगा, तो एफ का डायमेंशन क्या होता है जल्दी बोलो, एम एल टी माइनस टू। बी का डायमेंशन ऑलरेडी हम लोग निकाल रहे हैं कितना आया, एम माइनस वन टी, और टी का डायमेंशन टी, समझ में आ रहा है। यहाँ से ए का डायमेंशन मिल जाएगा, ए का डायमेंशन कितना हो गया जल्दी बताओ, एम कितना हो गया जीरो, एल कितना हो गया वन, टी कितना हो गया जीरो, करेक्ट, वन प्लस वन टू और टू माइनस टू जीरो, ए मिल गया बी मिल गया। अब अगला क्वेश्चन में आपसे बात क्या कह रहा निकालने के लिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी का डायमेंशन निकालना है, तो ए का डायमेंशन हो गया सिर्फ एल, ये तो हो गया, तो बी का डायमेंशन कितना हो गया एम माइनस वन टी, तो बताओ ए इंटू बी का डायमेंशन कितना हो गया एम माइनस वन एल टी, ये हो गया इसका डायमेंशन। समझ में आ गया क्या, यस नो, सबको क्लियर है, नोट कर लो फटाफट। ये क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हो, मान लो मैं दे देता हूं एग्जांपल, टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, पी, टी
पी क्या है पावर, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट और टी है टाइम। लिख लो, पी है पावर, एक्स है डिस्प्लेसमेंट और टी है टाइम। अब आपको डायमेंशन निकालना है, टू फाइंड क्या करना है ए अपॉन बी का डायमेंशन। ठीक है चलो फाइंड करो, फाइंड कैसे बताओ कहां आ रहा है, जल्दी करो फटाफट। देखो चलो देखो फटाफट एक बार और देख, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हो। देखो पहले समझो, ये होगा P इज इक्वल टू ए बाई बी टी, लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी टी, लिख सकते हैं क्या सेम टू सेम। अब क्या करेंगे, बीच में एक लाइन खींचे, तुम्हें नहीं समझ में आता तो ऐसे लाइन की, ठीक। इधर क्या करो, इनको कर लो कंपेयर, आप इन दोनों को ऐसे ऐसे पहले P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में x, अरे क्या P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में बी टी, इस P को पूरे के बराबर लगा दो, ठीक। और उसी तरह से एक बार इसको इसके बराबर कर लो, P इज इक्वल टू ए अपॉन में बी टी, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां से B का डायमेंशन निकालना, तो B को ऊपर लेते जाओ, एक्स स्क्वायर में पी टी हो जाएगा। जल्दी से बताओ x का क्या होगा, x स्क्वायर का होगा l स्क्वायर, पावर का क्या होगा ml2 t माइनस 3 और टाइम का t। यहां तो कोई डाउट बोल दो, अगर कोई दिक्कत है तो अभी रोक लो, कोई दिक्कत अब कुछ करना ही नहीं है। बताओ तो b का डायमेंशन कितना हो गया, जल्दी बोलो, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, m माइनस 1, t पे कितना बचेगा बच्चों t माइनस 2 बचेगा, ऊपर जाएगा क्या होगा t प्लस 2, b का डायमेंशन आ गया। जब b आ गया तो a का निकाल लेते हैं, a का कैसे आ गया, यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू होगा t इंटू बी टी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जल्दी बोलो, यस सर। फिर क्या हो जाएगा, p का डायमेंशन अभी हमको पता है कितना होता है एम एल टू माइनस 3, b का क्या है अभी पता है कितना आया है एम माइनस 1 टी टू और टी का डायमेंशन टी, कोई दिक्कत। अब सॉल्व करो, ए का डायमेंशन कितना आया बोलो, एम की पावर कितना हो गया 0, एल की पावर 2 देखो है ना, ये बस एल बचा, टी की पावर देखो यहाँ माइनस 3 है और यहाँ 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, यही गलती हुआ था तुम्हारा है ना, हाँ 0 नहीं लगा तो काम खत्म। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में, a बाई b का डायमेंशन, a का डायमेंशन कितना आ गया l2 आ गया अपॉन में b का डायमेंशन कितना हो गया, जल्दी बोलो m माइनस 1 t2 आ गया, a बाई b का डायमेंशन कितना आएगा, m ऊपर जाएगा तो क्या होगा m1 l2 t माइनस 2, ये आपका डायमेंशन हो गया। आया सबका, आया नोट कर लो फटाफट, ये सबका लग जाना चाहिए, एकदम आसान आसान। नंबर वन, एफ इज इक्वल टू ए रूट, देखते हैं ये ए रूट प्लस बी टी स्क्वायर, और इसमें आपको डायमेंशन किसका निकालना है, इसमें आपको डायमेंशन निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ए अपॉन बी, a अपॉन में b का डायमेंशन फाइंड कर, x वही डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है टाइम है, फटाफट निकालो झटपट। चलो आ गया, देखो बहुत इजी था, वेरी गुड, सब लगा ले रहे हो, क्या दिक्कत, अब तुम लोग तेज हो गए हो। पहले f इज इक्वल टू क्या होगा a रूट x को बराबर करेंगे, और एक बार f इज इक्वल टू क्या करेंगे bt स्क्वायर ऊपर, तो जो दोनों निकालना आसान है, a इज इक्वल टू क्या होगा f अपॉन में अंडर रूट x, a इज इक्वल टू हो गया f की वैल्यू कितना हो गया बच्चों जल्दी बोलो, f का डायमेंशन m l t माइनस 2 और यहां हो गया l टू दी पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। ऊपर गया a इज इक्वल टू मिलेगा m l t माइनस 2
और ये हो जाएगा एल की पावर माइनस वन बाई टू, ये हो जाएगा यस नो। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया एम वन, और एल की पावर कितना मिलेगा वन माइनस वन बाई टू, एल की पावर हो जाएगा वन बाई टू और टी की पावर माइनस टू, ये होगा ना। तो ये वन है दोनों जुड़ जाएगा वन, मतलब बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाएगा एल माइनस वन माइनस वन बाई टू, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगा वन बाई टू, ये हो गया ए का डायमेंशन। बी निकाल लो, बी इज इक्वल टू कितना आएगा जल्दी बताओ फटाफट, देखे कौन बच्चा बता रहा है। बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस टू बी, और ये हो गया टी टू। बी का डायमेंशन कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, एम एल टी माइनस टू अपॉन में टी टू, यही तो होगा। अरे नीचे आ जाएगा भाई साहब, ठीक है ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू मिल गया एम एल टी माइनस फोर। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है जल्दी से बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है निकालने के लिए, ए बाई बी का डायमेंशन, ए डिवाइडेड बाई बी का डायमेंशन, ए का डायमेंशन आया है यह आया एम एल टू दी पावर वन बाई टू टी की पावर माइनस होल अपॉन में बी का डायमेंशन एम एल की पावर वन टी की पावर माइनस फोर। यही हम तुम लोग गलती किए हो, बहुत बच्चे दिख गया मुझे गलती है ना, एम की पावर से एम से तो काम खत्म हो गया, एल की पावर क्या बचेगा, देखो ये हो गया वन बाई टू और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस फोर, ठीक है, और टी की पावर क्या होगा ये से कैंसिल हो गया, नीचे माइनस टू बचा ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी टू, माइनस वन बाई टू में से वन गया कितना बचेगा जल्दी बताओ, यस एल माइनस वन बाई टू इंटू टी टू, ये हो गया आपके पास ए बाई बी का डायमेंशन। मिस्टेक गड़बड़ किए तो है ना, छोटा सा जोड़ घटाना है, गड़बड़ किए थे तुम लोग। देखो इसको कैसे लगाएंगे, E is equal to B minus X square upon में T. E क्या है एनर्जी, B क्या है निकालना है आपको, डायमेंशन किसका निकालना है A into B का निकालना, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, E is equal to लिखोगे B upon में T minus X square upon में T, लिख लेंगे क्या बीच में लाइन खींचो, ये हो जाएगा E is equal to B by AT, और एक हो जाएगा E is equal to एक्स स्क्वायर अपॉन में ए टी, होगा क्या ए निकाल लो, ए इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ई टी, हो जाएगा क्या जल्दी से डायमेंशन रखो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एल स्क्वायर अपॉन में ई का क्या हो गया एम एल टू टी माइनस टू, और टी का टी जल्दी से बताओ ए का डायमेंशन कितना आया एम माइनस वन, यही मिस्टेक हो रहा है तुम लोग बस छोटा छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक करो ना, एम माइनस वन एल से एल तो कैंसिल हो गया, टी के पावर यहाँ पे माइनस वन बचा, ऊपर जाए क्या होगा प्लस वन, ए का डायमेंशन आ गया, जब ए आ गया तो बी निकाल लो, बी बराबर क्या होगा ई ए टी, ई का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू सॉरी एम एल टू टी माइनस टू, ए का डायमेंशन एम माइनस वन टी, और टी का डायमेंशन टी, बी का डायमेंशन कितना आ गया जल्दी बोलो, एम से एम तो खत्म एम जीरो हो गया, एल की पावर कितना हो गया टू, टी की पावर कितना हो गया जीरो हो जाएगा क्योंकि वन प्लस वन टू हो गया, टू माइनस टू जीरो। अब आपको क्या निकालना है ए इंटू बी, क्या निकालना है ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए का डायमेंशन लिखो बच्चों क्या था आपके पास जल्दी बताओ एम माइनस वन टी, और बी का डायमेंशन क्या था जल्दी बोलो एल टू, तो जल्दी से बताओ इसका डायमेंशन कितना आ गया आपके पास, ए इंटू बी का डायमेंशन क्या आ गया एम माइनस वन एल टू इंटू टी, तुम्हारा माइनस वन नहीं आया था यही गड़बड़ किए थे, तो बस ऊपर से नीचे लाने में ही गड़बड़ हो रहा है, वही कहते है। कोई बात नहीं।